हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई है, जबकि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया है। इस हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश जारी है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी सद्दाम। सद्दाम, ये हादसा किसकी लापरवाही की वजह से हुआ? दीपक, आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना है जनपद से निकले नेशनल हाईवे 34 की है, जहां सुमेरपुर थाना क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया में आज एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है, ट्रैक्टर ट्राली पलट गई है, और जिसमें एक 17 वर्षीय युवती जिसका नाम अनीता है, उसकी ट्राली के नीचे दबकर घटनास्थल पर मौत हो गई है, जबकि हीरा देवी और उसका पुत्र जिसका नाम राकेश है, ये दोनों गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही स्थानीय पुलिस व स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी हुई, ये सभी लोग मौके पर पहुंचे और सभी को ट्राली के नीचे से निकाला, जिसमें अनीता की मौके पर मौत हो गई थी और अन्य जो दो घायल थे उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। ट्रैक्टर ट्राली के पलटने का कारण कैसे पलटी, तेज स्पीड के कारण पलटी या किसी साधन के टक्कर से पलटी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। दीपक, आपको बता दें कि ये जो मृतक है और जो घायल है, ये कस्बा सुमेरपुर के ही निवासी हैं और किसी काम से मौधा जा रहे थे, जबकि ट्रैक्टर इंगोठा गांव का बताया जा रहा है। ये ट्रैक्टर जो है वो गिट्टी मोरम सरिया आदि का सप्लाई करता है। ट्रैक्टर ट्राली पलटने की ये घटना जनपद में नहीं, प्रदेश में पिछले 6 महीनों में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोग जिसमें जान भी गंवा चुके हैं, मगर जिस प्रकार से जिला प्रशासन इस प्रकार की घटना को ना तो लगा पा रहा है, ना ही लोग बैठने से मान रहे हैं। दीपक, जो चालक था जो फरार बताया जा रहा है, वो ट्रक चालक कहाँ है और क्या अब तक उसकी गिरफ्तारी हो पाई? जी, बता दें दीपक की जैसे ही ट्रैक्टर ट्राली पलटे, बताया जा रहा है कि बहुत तेज रफ्तार से थी, ऐसा स्थानीय लोग मानते हैं, हालांकि स्पष्ट तो नहीं हो पाया। जैसे ही पलटा, जो चालक था वो मौके से फरार हो गया है, उसके भी कोई जानकारी नहीं हो पाई है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दीपक, ठीक है, इसमें मौत जो बताई जा रही है वो ट्रैक्टर चालक की हुई है, ट्रक चालक की? सद्दाम, जानना चाहूंगा कि इसमें मौत किसकी, ट्रक चालक या ट्रैक्टर चालक किसकी हुई है? देखिए दीपक, ट्रैक्टर चूंकि पलटा है, ट्राली पलटा है, तो इसमें जो सवारी बैठी थी, एक ही परिवार के 3 लोग बैठे थे, वो कहीं जा रहे थे, कस्बा सुमेरपुर से मौदा की तरफ जा रहे थे और कोई साधन न मिलने के कारण, ये जान परिचित होने के कारण बैठ गए थे उसमें, तो उसमें जो एक लड़की है, युवती है 17 वर्षीय अनीता, उसकी डेथ हुई है, ठीक है, और जो चालक है ट्रैक्टर ट्राली का वो फरार है। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सद्दाम। तो ये थे हमारे सहयोगी सद्दाम, जिन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पर ट्रक और ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई है, लेकिन जो इसमें सवारी मौजूद थी ट्रैक्टर में, ट्रॉली पलटने की वजह से एक युवती की मौत हो गई है।